इसी वजह से भाई मैं आया उसे वगैरह नहीं ले रहा, उसका खर्चा उठा नहीं पाऊंगा मैं इसी के। ये एच आई वी लीन कर रहा हूँ, पूरी लिटा के चल रहा हूँ, फुट रेस्ट पूरा टच चल रहा है रोड पे। उदयपुर में आ गए गाइस, उदयपुर में। ये देखो भाई फोटोग्राफी। ओ भाई यार लेपर ट्रेल में यहाँ पे एक कैफे है, राठी कैफे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतवीर दिस साइड। आज हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, लेपर ट्रेल गुड़गांव। आज हम जा रहे हैं राइड पे लेपर ट्रेल गुड़गांव, जो कि है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। और मेरे साथ जाने वाले मेरे एक स्कूल का दोस्त है राहुल, और आनंद भाई को तो आप जानते हो पिछले व्लॉग से। तो हम तीन जाने वाले हैं, और ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 1.5 घंटे का रास्ता है, जो मान लो 25-30 किलोमीटर है। मजा आएगा, वहाँ पे एक से एक सीनिक व्यू है और हाइकिंग एरिया है, तो मजा आ जाएगा भाई देखने चल रहे हैं। तो व्लॉग पे बने रहना, अभी स्टार्ट करते राइड। अभी टाइम हो रहा होगा 7 बजे है, तो 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे, मतलब 8:30 या 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं वहीं पे। तो भाई ये रही अपनी हीरोइन, इसे जरा साफ कर लें। हीरोइन को सिर्फ उसी दिन याद किया जाता है जिस दिन इसे बाहर निकाला जाता है, मतलब कहीं ले जाया जाता है, वरना तो ऐसी गंदी खड़ी रहती है यार। क्या बोलूँ मैं, मेरे से होती नहीं है इसकी केयर, छोड़ के चली जाएगी किसी दिन मेरे को। मज़ा आएगा गाइज, संडे का दिन है ना, स्पेशली राइड के लिए ही होना चाहिए भाई, मज़ा आता है राइड करने में। एक दिन तो होना चाहिए भाई राइड वाइड के लिए, अपने लिए थोड़ा घूमे फिरे। तो भाई मैं यहाँ अभी गली के बाहर वेट कर रहा हूँ अपनी, आनंद भाई आ रहे हैं हवा हरवा के, पता नहीं कहाँ रह गए, ऐसी कौन सी हवा हरवा रहे हैं। और राहुल अपनी गली के बाहर वेट कर रहा है भाई, अलग ही मज़ा आएगा भाई आज राइड में देखना, एक से एक सीनिक व्यू दिखेंगे आपको, फोटोज़ वगैरह खींचेंगे वहाँ पे, रील्स वगैरह बनाएंगे। तो बस आप बने रहो वीडियो पे, आज काम फतेह कर देंगे लेपर ट्रेल का। भाई आधा घंटा हो गया यहाँ वेट करते करते, आनंद भाई पता नहीं कौन सी एरोप्लेन की हवा डलवा रहे हैं अपनी बाइक में। तो भाई एक चीज़ और बोलनी थी मेरे को, कि मैं मोस्टली वीडियोस में ऐसे बनाता हूँ, मतलब मीटर दिखाते हुए और हाथ ऐसे हिलाते हुए, तो ऐसे मेरे दोस्तों ने थोड़ा बहुत बताया है कि भाई मीटर मत दिखाया अगर पूरी वीडियो में। तो भाई आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मीटर कम से कम दिखाऊँ, तो रोड ज़्यादा दिखाऊँ, क्योंकि मोटो व्लॉग है तो रोड दिखाना बनता है। मतलब मैं मोस्टली इस तरीके से बात करता हूँ ना, जेस्चर करके, मतलब हाथों का, तो ऐसा लगता है मतलब बातों से थोड़ा, तो उस तरीके से ऐसे कर लेता था मैं। बाकी आज मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि रोड दिखाऊँ मैं मोस्टली। कैसे वेट करवा रहे हो तुम? ये कौन सा सर्टिफिकेट लगा रहा है, एच आई वी? एच आई वी का सर्टिफिकेट ऐसे लगा के चलना है क्या अब? और बताओ। तो भाई आनंद भाई भी आ चुके हैं, पता है ना पूरा रास्ता तुम्हें। ये क्या भैंस क्या डकैती डालने जा रहे हो बैंक में? वहां से आगे पता है तुम्हें? इधर हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, चलो तो चलो, एक बंदा और वेट कर रहा है, आ जाओ। तो भाई आनंद भाई भी आ चुके हैं, भाई ने तो अपनी स्प्लेंडर चमकाई रखी है, अपनी चमक नहीं रही है बस। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, गाइज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, उस पर सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं अपन सब, वहाँ पे फॉलो कर लो भाई, थोड़े बहुत फॉलोअर बढ़ जाएंगे, सही रहेगा। अभी राहुल को देखते हैं, राहुल अपनी गली का वेट कर रहा है, मेरे से भी ज़्यादा टाइम से, मैं तो अभी आया था। तो राहुल भाई मेरा 4th क्लास से स्कूल फ्रेंड था, 4th से 8th तक हम दोनों साथ में बैठते थे, साथ में मतलब बिल्कुल चड्डी बड्डी थे क्लास के। तो जिस स्कूल में 8th तक पढ़ा था उस स्कूल में था राहुल, और अभी कुछ दिनों पहले राहुल ने मेरा व्लॉग देखा तो बोला कि भाई मुझे भी राइड में ज्वाइन कर, ये वो, तो भाई भी है अब से हमारी राइड में। कहाँ रह गया अब ये राहुल, ये स्कूटी तो खड़ी है। और भाई राहुल क्या हाल है, इंतजार करा दिया तेरे को ज्यादा है अभी है, आया पता नहीं भाई, मेरे वाले टायर की भी अगले टायर की हवा सी कम सी लग रही है मुझे, बाकी अभी कल परसों पंचर लगवाया, पता नहीं क्या इसकी ऐसी हो रही है। अरे भाई बहुत खर्चा है, इसी वजह से भाई मैं आया उसे वगैरह नहीं ले रहा, उसका खर्चा उठा नहीं पाऊंगा मैं इसी के, नहीं उठा पा रहा है इसकी आँख। वो सो गाइस अपन वही एमबी रोड वाले रास्ते से जाएंगे, यहाँ से गुड़गांव वाले तक अर्जुनगढ़ तक तो वहीं तक जाएंगे, उसके बाद पता नहीं आनंद भाई को पता है रास्ता, उसके बाद का देखेंगे क्या सीन है, कहाँ से क्या रास्ता उन्हें पता है, वरना गूगल मैप्स तो जिंदाबाद है ही।
देखो गाइस, वैसे हमने अर्ली मॉर्निंग ही प्लान किया था, सुबह 5 बजे जाने का प्लान था, लेकिन सीन क्या हुआ कि भाई 5 बजे करीब ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो फिर मम्मी भी बोलने लग जाती है कि इतने अंधेरे में कहाँ जा रहा है, और वैसे भी जाना इतनी दूर था, तो उस जगह का जो एक्चुअल फील है वो थोड़ा रोशनी में ही है जाने का, तो वो फोटो वगैरह नहीं आती सही से, रील्स वगैरह बनती नहीं, तो इस वजह से इस टाइम निकलने का सोचा, फिर बाद में प्लान चेंज हुआ एकदम से। तो भाई ये आ गया कुतुब मीनार हमारे सामने, ये देख लो भाई, सुबह सुबह का व्यू देख लो, कुतुब मीनार चेक करो, छोटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है 2 फ्लोर कम कर दिए इसके, दूर से देखने पे लग रहा है, बाकी बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। देखो तो भाई अभी आनंद भाई लगा रहे हैं मैप, ये HIV HIV का सर्टिफिकेट लगा के चलना पड़ रहा है भाई को। ये हॉस्पिटल का वो होगा है ना, हॉस्पिटल का कुछ वो मिलता होगा तुम्हें, हाँ। तो भाई लेपर ट्रेल जाने के ना 2 रास्ते थे, एक तो हम यहाँ डायरेक्ट आके यहाँ से गुड़गांव होते हुए जाएं, ठीक है, और एक तो भाई फरीदाबाद से गुड़गांव वाला जो रास्ता जा रहा है हाईवे वाला, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता उल्टा फरीदाबाद के लिए, अपने घर से फरीदाबाद की तरफ जाना पड़ता और फिर वापस इस तरफ को आना पड़ता उस हाईवे की तरफ से, और बाकी यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आ गए हम सीधे आगे की तरफ, तो बस यही फ़र्क है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये जा रहा है हाईवे जयपुर मानेसर स्ट्रेट, ये राइट में जा रहा हमारे। मौज आ गया, फुल नेचर खास चल रही है भाई, मज़ा आ रहा है, वो भाई फुल लीन कर रहा है भाई, स्प्लेंडर हमारी यहाँ लीन कर रहा है, मज़े ले रहा है यार, लीन करिए पीछे से देखोगे ना कोई अगर मेरी वीडियो बना रहा होता तो वो पता चलता ना मैं कितनी लीन कर रहा हूँ, पूरी लिटा के चल रहा हूँ, फुट रेस्ट पूरा टच चल रहा है रोड पे, समझ रहे हो, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया मजाक। लेफ्ट जाना था भाई, मैं थोड़ा सा आ गया था, थोड़ा सा, ये देखो भाई इससे तुम्हें पता चल जाएगा ये हिली एरिया है पूरा, और ये आगे कुछ साइकिलिस्ट है ना, ये देखो भाई चेक करो तो है ना कुछ व्यू पता है यार, ये देखो भाई कुछ राइडर्स यहाँ भी है रील्स बनाते हुए, भाई ये यूं समझ लो तुम्हें अगर उत्तराखंड का फील लेना है तो इस साइड आ सकते हो, थोड़ा बहुत वैसा सही लग रहा है बिल्कुल। राहुल ऐसा नहीं लग रहा तेरे वहां आ गए, तो भाई वैसे हमने YouTube पे वीडियो देख ली थी, YouTube पे वीडियो देख के आए हैं किसी बंदे की, तो यहाँ पे बस मतलब अगर आपको आना है तो पिकनिक वगैरह मनाने आ सकते हो, यहाँ पे आगे 2 कैफे हैं और उन कैफों के मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं रोज बादाम खाता हूँ। ये देखो राइडर की बाइक जा रही थी, कावासाकी निंजा ये फुल, तो भाई आगे 2 कैफे हैं वहाँ जा सकते हैं, वहाँ मजे ले सकते हैं, खा पी सकते हैं, खाने आने का सिस्टम है सही, और ये देखो
सही है यार, देख रहे हो ये सब लोग मजे ले लेके आ रहे हैं वापस और हम जा रहे हैं। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Bhai, aa gaye na hum उदयपुर में, आ गए गाइस उदयपुर में। ऊंट ऊंट दिख रहे हैं। ये कुछ ये कार्ट है। चाय वाय पिए क्या? ना ना चाय वाय पिए क्या? अरे आगे पी लेंगे यार, अभी दो किलो डेढ़ किलो है। मूत सा आ रहा है यार मुझे। अरे वहाँ मूत रहे हैं ना। तो पब्लिक क्या मूतती नहीं है? ये देखो भाई फोटोग्राफी। ओ भाई साहब यहाँ अलग ही सिस्टम चल रहा है। अरे अलग ही सिस्टम चल रहा है। ओ भाई मेरी फेवरेट बाइक्स रॉयल एनफील्ड एक्स हंटर। यार क्या मजा आता है यार देख के, मतलब समझ रहे हो, फोटो खींच रहा भाई। भाई व्यू तो है सीनिक, देखो तुम चेक करो व्यू है कि नहीं है, है कुछ भाई तो देखो तुम ले क्या ये लेक है पौंडे के पता नहीं क्या है। है और वहां से ये आ गया भाई मित्रा दा ठिकाना। नॉट जस्ट अ रिजॉर्ट एन एक्सपीरियंस टू एंजॉय रसियंस। लैपर ट्रेल, अरावली हिल्स, पंडाला विलेज, गरतपुर बस, गुरुग्राम। ओ भाई व्यू देखो यार तुम, मजा आ गया। भाई हटा लो अपनी बाइक, हटाओ आगे आगे चल रहे, मूत के आ रहे यार कहीं। ये भी एक कैफे है भाई, यहाँ पे दो चार कैफे तो हैं। खाओ बैठो, देखो भाई गांव वाला माहौल चेक करो। तो भाई आगे जा रहे हैं देखने क्या है सीन, आगे कुछ है कि नहीं है, क्या है और आगे। वैसे तो ये गांव है, ये पंडाला विलेज ही है शायद, आगे भी वही होंगे रिजॉर्ट वगैरह कैफे वगैरह। ये देखो भाई उपले थाप रखे हैं इन पे पहाड़ी पत्थरों पर। ये भाई साइकिल चला चला के इतनी दूर तक आ गए राइडर्स, देखो भाई। ओ भाई नेक्स्ट लेवल बना रखा है। चले क्या उस तरफ देखने? वो कहाँ गया? आगे का व्यू देखो तुम, व्यू पहुंच गया भाई लैपर ट्रेल। तो ये लास्ट कैफे है, जंगल कैफे, लेपर्ड कैफे एंड रिजॉर्ट।
गाइस फाइनली हम आ चुके हैं लेपर्ड ट्रेल में। यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी बाइक पार्क कर दी है। इधर मेरी पार्क है, इधर मेरी हायाबूसा पार्क है, इधर इनकी निंजा पार्क है। और यहाँ पे हमने सबसे सस्ता कैफे ढूंढा, अपनी अपनी रेंज के हिसाब से सस्ता सा कैफे ढूंढ लिया। अब देखते हैं वो रेंज में से पार ना जाए। बस देखने में तो सस्ता सा लग रहा था। शुरुआत 3 अंकों से हो रही है। शुरुआत इसमें चाय 399 की चाय है एक। तो हमारी फ्रेंडली है, मतलब देखने में तो देखता हूँ क्या सीन है। हम स्टारबक्स में आ रहे हैं। मतलब और भाई व्यू चेक करो तुम यहाँ का। स्टारबक्स आ रहे हैं गाइस, हम कहीं नहीं आ रहे हैं। ये है भाई राठी कैफे है ये यहाँ पे। अबे हेलमेट तो रखे आते हम। अरे नहीं हेलमेट, सुनो चाय लेते हैं और यहाँ से नमकीन लेंगे 5 बजे। भाई तुमने ये भी ठीक था भाई, ये भी ठीक था। नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग यूज डस्टबिन। कैफे में आए और चाय दूसरी साइड से लेके आते। चलो भाई यार लेपर ट्रेल में यहाँ पे एक कैफे है राठी कैफे। भाई यहाँ पे आधे घंटे पहले ऑर्डर दिया था 3 चाय 3 ब्रेड पकौड़े का, पूछने जा रहे क्या सीन है। भाई यहाँ ऐसी भीड़ चल रही है, देखो लड़ाई चल रही है। तीन भाई, तीन से भाई 3 चाय 3 ब्रेड पकौड़े हो गए। तीन चाय 3 ब्रेड पकौड़े है भाई, 3 चाय 3 ब्रेड पकौड़े लग रहे भाई। भाई ताजे बन रहे दोस्त, आधे घंटा हो गया यार ताजे बन रहे दोस्त। यूँ बोल रहे हैं कि ताजे बना रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। मतलब बासी दे रहे, वैसे सब लोगों को बासी देते हैं, हमें ही ताजे दे रहे हैं बस। हम ज्यादा स्पेशल है भाई। फोटोज खींचे क्या आप? किसकी क्या भाई, आपस में खींचते हैं किसकी हो तुम भी भाई, मजे ही ले रहे हैं। किसकी खींचोगे हो तो तुम्हारे साथ खेतों में खींचेगा। खेतों में चलना अगने और वहाँ मैं तुम्हारी खींच लूंगा अगले में मेरी खींच ले। पहले चाय लेके चलेंगे ना, बस घूमते हुए पीछे। भाई देखो हम यहाँ पे आए थे बजट ट्रिप मनाने। तो बजट ट्रिप में भी हमारा खर्चा देखो कितना हुआ। 3 लेज चिप्स हमें 20 रुपए वाली पड़ी है 75 रुपए की, 3 चाय 120 रुपए की कुल्लड़ चाय, और उसके साथ 3 ब्रेड पकौड़े 75 रुपए। हाँ 75 रुपए, 150 रुपए का तो यही पड़ गया। बजट ट्रिप में भी देख लो कितना बजट हाई चला गया। तीन सर्कल तो हो ही गए, हमने पेट इससे भर लिया, बाकी चाय वगैरह से नाम के लिए मंगवा लिया। चाय का मन भरेंगे हाँ। सुन के भर के। और मुझे लग रहा है मन भी भर जाएगा, इतना टाइम ले रहे हैं चाय बनाने में। अरे मन तो ऐसे भर जाएगा। हाँ जब तक तुम व्यू चेक करो यहाँ पे, तुम्हें घुमाऊं क्या मैं यहाँ पे? यहाँ डायरेक्ट किचन से ले रहे हैं हम सब। चटनी गिरवा लेना चटनी। भाई यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने लग गया आनंद भाई, इतनी देर लगा दी ये सामान लाने में। वहाँ नहीं उठाऊंगे तो नहीं मिलना, किसी और को लेके चला जाना। यहाँ खुद ही ले, हाँ सेल्फ सर्विस है भाई, खुद ही लेके आओ। बैठे रहो ना कि लेके आएगा तो हो गया, फिर ले लो किचन में से डायरेक्ट लेके आए किचन से। भाई मैं तो उसका ही ले रहा था, कह रहा नहीं भाई चाय 4 चाय उसकी है, दूसरे की चाय और मैगी उठा रहा हूँ, चाय पकड़ा दे मेरी। अब भाई खा लेते जरा, खींच लेते हैं भाई, बना लेते थोड़ी बहुत स्टोरी। ये कौन सी चटनी है? ठीक है खा के मिलते हैं फिर, ऐसे वीडियो बनाएंगे। या आनंद भाई को पता नहीं, आनंद भाई को कुछ शौक सा चढ़ गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे जाके। देखो ये टीयर गिल्स बन रहे हैं, वहां से कूदने की सोच रहे हैं। भाई देखो यहाँ तो तुम डायरेक्ट नीचे आ जाओगे या डायरेक्ट ऊपर जाओगे? और गांड वांड भी फट सकती है अगर वहां लकड़ी वकड़ी निकल गई तो। कुछ लकड़ी से सांप निकल गया था। कूदो। देखो भाई आनंद भाई की फट रही है लेकिन मोटा है। ये हाँ ये देखो भाई राइडर्स। ये ट्राइम ये
हार्ले डेविडसन। राइडर्स हम पे भी होगी एक दिन फ्यूचर से। सो गाइस हमें ये ऊपर जाने का रास्ता सा दिख रहा है, ये रेती का, यहाँ हम जाने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा ही रहे हैं। राजस्थान की रेत दिख रही है। हाँ रेगिस्तान वाला फील लेना है हम यहाँ पे। ये देखो नहीं चला जा रहा है वो, यहाँ तो ठंडी है थोड़ी सी। ओ और आनंद भाई गए हैं वहां से, आनंद भाई ने देखो पूरा राजस्थान वाला फील आ रहा है। ऊंट भी है उधर देखते हैं। यहाँ यहाँ बच्चे खेल रहे रेत से। आंख में चली गई क्या? आंख में चली गई। आराम से अरे रुक जाओ। ओ भाई यहाँ से देख, उतर जा नीचे। क्या आंख में रेत चली गई? यहाँ से देखियो कितना सही लग रहा है। गिरेंगे ना पूरा गोल गोल बन के, फुटबॉल बन जाएंगे कपड़े और बनते जाएंगे। सही है आनंद भाई। ये आनंद भाई बच के वहां से गए। और ये राहुल देखो, और मैं भी यहीं तक पहुंचा हूँ, थक गया थोड़ा सा। ये देखो पूरा रेतीला पूरा नीचे तक। ये देखो वहां खड़ी हमारी बाइक है, अभी थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं। अंकल हट जाओ, लग जाएगी मिट्टी। अंकल नहीं हुआ भाई, ठीक है जो भी। रुक तो सही, हट जाओ साइड मत कर। कौन कर रहा है? अभी हम आ गए हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, बिल्कुल टॉप पे आ गए। मेरे पे भी रेती फेंक दी इन बच्चों ने। ये बच्चे बदमाश उच्चे ने देखो फिर से फेंक रहे। अंकल वो देखो भाई, मैं अंकल नहीं हूँ। अंकल बोलोगे मुझे? हाँ ओ भाई मजा आ गया। क्या लोगों ने को पूरा मिट्टी मेरी भूसी भर दिया। ओ भाई कितने ऊपर चढ़ गए। ये देखो आनंद भाई का बचपन निकल के आ रहा है। बचपन से सपना था इनका ऐसे पेड़ पे चढ़ने का। कौन सा बुड्ढे हो गए घर से दिख रही है भाई। हमने इन भाई को बोला था कि जूते उतार के जाओ, जैसे हम जूते उतार के गए इनकी उजली थी देखो। देखो रेती अंदर तक भरवा के लाए, 2 किलो रेती इसमें। अरे घर ले जाना। अरे घर पे जाके ना एक उसमें कांच के वास में निकाल देना है ना, संभाल के रख देना फ्रेम में, कि वहां से भर के लाया था मैं हरियाणा की रेत। हाँ लेपर ट्रेल की रेत लेके आया हूँ वहां से। नहीं बहुत अच्छी है, छोड़ दे रही है। पूछा छोड़ दे रही है ये रेत। आनंद भाई यहाँ फिसल गए यहाँ पे ये मोड़ पे। कंटेंट नहीं रुकना चाहिए यहाँ भाई का। ये रुक जा देखने तो दे, लगी ये घिस गया और ये गया फुटरस। टूटा नहीं है, रगड़ा है, टूटा नहीं है, टूटा कुछ नहीं है। ज्यादा ना इतनी तो थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गए हैं, बाकी टूटा नहीं है, सुपर टूटा। बाकी तुम तो बचे हुए ना, ठीक है, टूटा कुछ नहीं, अब सही है। स्क्रैचेस हैं, चलो वो वहीं हट जाएंगे, डेंट हट जाते हैं, टूटना नीचे को। ये यहाँ पे रेत ही पड़ी है ना या मोड़ पे, इस वजह से यहाँ पे आके भाई ने ब्रेक मार दी तो थोड़ी स्लिप कर गई भाई। इधर बैठा बॉडी। वैसे तो साथ में चल रहे थे, पता नहीं कब मैं गिर के खड़े हो गए। चलो कोई नहीं, टेंट है, टूटा कुछ नहीं, बढ़िया। चलो कोई नहीं, टूटा। सो गाइस राइड तो खत्म हो गई है अपनी लेपर ट्रेल वाली, ठीक है। तो व्लॉग देख के मजा आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अभी अपन घर पे आके घर का खाना खा रहे हैं, आलू के परांठे बने हुए। देखो वहां तो खाना वगैरह इतना खास था नहीं, तो काम चलाने के लिए हमने ब्रेड पकौड़े खाए थे, वो भी नाम के बिल्कुल बेकार से थे, मतलब यूं समझ लो। अगर अगली बार आप लोग ये प्लान कर रहे हो लेपर ट्रेल वगैरह जाने का तो वहां पे बिल्कुल खाना मत, मतलब बहुत ही बेकार सा खाना था। अपना लेके जाना, अगर ले जाना हो तो कुछ खाने पीने के लिए, उनके भरोसे मत रहना।
बस ये एंड करना था मेरे को वीडियो का।